हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज की किचन में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की मेरी रेसिपी है एक मसाला करी। तो एक मसाला करी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो देख लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, आइए इसे बनाना देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 4 उबले हुए अंडे। यहाँ पर मैंने अंडों को उबाल करके छील कर ले लिया है। मसाला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हैं, 1 प्याज इस तरह से रफली कट किए हुए, 1 टमाटर इस तरह से रफली कट किए हुए। बाकी मसाले जो हमें करी बनाने के लिए चाहिए वो है 1/4 चम्मच हमारा ये गर्म मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम मसाले में हरी मिर्च पीस रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने लाल मिर्च की क्वांटिटी कम ली है और यहाँ पे मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। यहाँ पे मैंने लिया कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, हरा धनिया पत्ता इस तरह से बारीक कटे हुए गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, 1 बड़ा चम्मच हम धनिया पाउडर यूज करेंगे, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। गरम मसाला में मैंने लिया है 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 हरी इलायची। हरी इलायची की जगह पे आप बड़ी वाली इलायची का भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम साबुत जीरा लेंगे, सरसों का तेल यहाँ पे एक करी बनाने के लिए, आप इसकी जगह पर किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक करी सरसों तेल में बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और करी 1 पत्ते चाहिए हमें 8 से 10, इसकी जगह पे आप तेज पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इन अंडों में फॉर्क की हेल्प से छेद कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारे इसके अंदर जो हम मसाले बनाएं वो अच्छे से जाए और ये ज्यादा स्वादिष्ट हो। इस तरह से आप छेद कर लें। आप इसके जगह पे फॉर्क के जगह पे आप टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप छुरी का भी यूज कर सकते हैं। छुरी की हेल्प से आप इसे इस तरह से क्रॉस का कट मार्क्स लगा के भी बना सकते हैं। आप इसे टूथपिक से या फिर आप इसे मैच स्टिक से भी इस तरह से छेद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्क का हेल्प लिया है। अगर टूथपिक वगैरह कुछ भी ना हो तो आप इस तरह से इसे कट लगा के भी बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने छेद करके बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने चारों अंडों में छेद कर दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसे किचन टॉवल में निकाल देंगे। अब मैं इसे किचन टॉवल में निकाल देंगे। आइए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इन बचे हुए तेल में हम सारे मसालों को ऐड करेंगे। इस बचे हुए तेल में हम ऐड करेंगे रफली चॉप प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, करी पत्ते, टमाटर, जीरा। यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा इसमें डाला और 1/2 छोटा चम्मच बचा लिया है खड़े गरम मसाले। अब इन सबको सॉफ्ट होने तक भून लेंगे और इनका एक पेस्ट तैयार करेंगे। बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, हमें इसे सॉफ्ट होने तक पका लेना है। सारी सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, गैस को बंद कर देंगे और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
यहाँ पे मैंने मसालों को निकाल लिया है। अब हम इन मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसे पीस लेंगे हम। इसे हम पहले थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। आइए अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के हम पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले से पेस्ट तैयार कर लिया है, बारीकी से पीस के रख लिया है। आइए अब इसे ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने वापस उसी तेल वाले पैन को यूज किया है। इसकी जगह पे आप दूसरे बर्तन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है। इसमें अब हम तेल ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को गर्म हो जाने देंगे। अब हम तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसे सौते होने देंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब हम इसमें मसालों के पेस्ट को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करके इसे पकाएंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी, मिर्ची पाउडर, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला हुआ है क्योंकि हमने मिर्ची पीसा हुआ है मसाले में। जीरा पाउडर भी 1/2 चम्मच इसमें मैंने डाला है, 1/4 सॉरी यहाँ पे 1/4 चम्मच क्योंकि हम जीरा इसमें पीस चुके हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। पहले मिला लेते हैं इन सारे मसालों को। हमें पका लेना है जब तक इन मसालों से तेल ना निकलने लगे। हम इसे ढक करके पकाएंगे ताकि हमारा मसाला जल्दी से पक जाए, और हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा मसाला आधा पक चुका है, मुझे थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ा सा इसे हम और पका लेंगे। मैंने यहाँ पे मसाले को मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया है और बीच बीच में चलाते रही हूँ, तो आप भी इसी तरह पकाएं। हमारा लगभग आधा से ज़्यादा पक चुका है और इसे लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। यहाँ पे आज मैं एक मसाला करी बनाई हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने मसाला यहाँ पे यूज किया है। अगर आप सिंपल एक करी बना रहे हैं और आप ग्रेवी गाढ़ा चाहते हैं, तो उस समय आप मसाला जब आप भूनते हैं एक करी बनाने के लिए, तो उसमें आप उबले हुए आलू को मैश करके और उसमें डाल दें मसाले के साथ, उसे अच्छे से भून लें। उसके बाद जब आप उससे ग्रेवी तैयार करेंगे तो उससे भी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो ये था आज का टिप्स ग्रेवी के लिए। कोई भी ग्रेवी आपको अगर गाढ़ी बनानी हो तो आप उसमें उबले हुए आलू को मैश करके डाल दें, उससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ मसाला पक चुका है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं इसके किनारों पे तेल आने स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। बेसन थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। मसाले को आप जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी अब अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। यहाँ पर मैंने एक छोटे ग्लास से 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा और इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटे ग्लास से पानी ऐड किया है जिसमें से 1/4 ग्लास पानी बच ही गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। क्योंकि हमने गरम मसाला पीसा हुआ था ऑलरेडी, इसमें गरम मसाला हम डालेंगे। और हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। जब भी कसूरी मेथी डालें इस तरह से इसे मैश कर लें, उसके बाद इसे डाल दें। और अब हम इसमें अंडे को ऐड कर देंगे।
और ढक करके हम इसे 2 मिनट पका लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे मसाले अंडे के अंदर अच्छे से चले जाएं। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पर रखेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा एक मसाला करी बनके तैयार है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म हॉट एंड स्पाइसी एक मसाला करी बन करके तैयार है। आपको मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या फिर सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप इस एक मसाला करी को गरम गरम चावल और रोटी के साथ परोसे। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, एक जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है। तो आप इस प्रोटीन युक्त रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर करें और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे मैं और भी जो नए नए रेसिपीज बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।